सलमान खान की फिल्म दबंग 3 की शूटिंग जब से शुरू हुई तब से सुपरस्टार सलमान खान अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए फिल्म से जुड़ी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते ही रहते हैं। और इसी बीच सलमान खान ने दबंग 3 के टाइटल सॉन्ग हुड़ हुड़ दबंग का फर्स्ट लुक भी जारी कर दिया है। बताना चाहेंगे इस फर्स्ट लुक को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, और इस फर्स्ट लुक में सलमान खान का काफी बेहतरीन तरीके से अंदाज भी देखने को मिल रहा है। बताना चाहेंगे हुड़ हुड़ दबंग दबंग सीरीज की हर एक फिल्म में हमें देखने को मिलता है और ये फिल्म का टाइटल सॉन्ग है जो दर्शकों के बीच काफी ज्यादा पसंद भी किया जाता है। ऐसे में दबंग 3 का ये गाना भी लोगों के बीच काफी ज्यादा पसंद किया जाएगा, क्योंकि सलमान खान ने जिस हिसाब से फिल्म के इस टाइटल सॉन्ग का फर्स्ट लुक जारी किया गया है उस हिसाब से साफ कहा जा सकता है कि ये गाना दर्शकों के बीच काफी ज्यादा पसंद किया जाएगा। वैसे फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट सामने नहीं आ पाई है, लेकिन फिल्म से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सलमान खान इस फिल्म को इसी साल 2019 के दिसंबर महीने में रिलीज कर सकते हैं। फिलहाल इस बात की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हो पाई है और फिल्म से जुड़े कलाकार भी अभी तक फाइनल नहीं किए गए हैं। अभी हाल ही में फिल्म की लीड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा का फर्स्ट लुक जारी किया गया था जो कि साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। पुनीत मल्होत्रा के निर्देशन में बनी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की बात करें तो ये फिल्म काफी मायनों में खास होगी, क्योंकि इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ के अलावा तारा सुतारे, अनन्या पांडे, समीर सोनी, अभिषेक बजाज जैसे मुख्य कलाकार हमें फिल्म में देखने को मिलेंगे। वहीं पर इस फिल्म में बड़े बड़े चेहरे अपना स्पेशल अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे। बताना चाहेंगे हॉलीवुड सुपरस्टार विल स्मिथ इस फिल्म के गाने पर थिरकते हुए नजर आएंगे। साथ ही इस फिल्म में आलिया भट्ट, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और ऋषि कपूर भी अपना स्पेशल अपीयरेंस देते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच टाइगर की इस फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बताना चाहेंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का ट्रेलर 12 अप्रैल को रिलीज कर दिया जाएगा। बताना चाहेंगे 10 मई 2019 को इस फिल्म को रिलीज किया जाना है। ऐसे में फिल्म के ट्रेलर का काफी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अब फिल्म के ट्रेलर की आधिकारिक घोषणा हो गई है और ऐसे में जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज होगा तब फिल्म के बारे में और जानकारी लोगों को पता चल पाएगी। ऐसे देखा जाए बागी 2 के बाद टाइगर की ये बड़ी फिल्म है, तो जाहिर सी बात है बागी 2 के बाद फैंस भी टाइगर की इस फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे।